नमस्कार, प्रभा साक्षी के बेहद ही खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस सप्ताह भी हमारे साथ प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी मौजूद हैं, जो सारी खबरों का विश्लेषण करेंगे। ये हफ्ता सप्ताह देश के लिए काफ़ी दुखद रहा, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में अमृतसर में एक बहुत ही दुखद रेल हादसा हो गया, जहाँ पर 61 लोगों की मौत हो गई, वहीं 70 लोग करीब जख्मी हैं। सर, सबसे पहला सवाल, प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि रेलवे ट्रैक के बाजू में दशहरा का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, रावण का वध किया जा रहा है। ऐसे में वहाँ जो मौजूद थे, वहाँ पे नवजोत कौर भी मौजूद रहीं, और ऐसा आरोप लगा कि वो भाग गई वहाँ से। देखिए, ये जो घटना है, पहले तो दुखद घटना है। हम भी जो लोग मारे गए हैं प्रभा साक्षी की तरफ से, उन सभी के की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन परिवारों के लिए संवेदनाएँ जताते हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। अब जो घटना हुई वो तो दुखद है ही, और उतना ही दुखद हम इसको भी कह सकते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो रहा है, कि रेलवे कह रहा है कि हमारे संज्ञान में मामला था नहीं, जो आयोजक हैं वो कह रहे हैं कि हमने सबको बता के किया था, हमारे पास NOC है। तो ये जो ब्लेम गेम का जो दौर शुरू हो गया है, ये दिखाता है कि हमारा जो प्रशासन है वो चाहे कितनी बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, उसका रवैया वही रहेगा। आप देखिए कि जो ट्रेन जिन दो ट्रेनों की चपेट में लोग आके मारे गए, उससे थोड़ी देर पहले भी दो ट्रेनें गुजरी थी वहाँ पर, और वो धीमी गति थी उनकी। तो क्यों नहीं फिर इस ये जो ट्रेनें गई हैं, इनको संदेश दिया गया कि ऐसा वहाँ कार्यक्रम चल रहा है और आपको इस तरफ मतलब सावधान रहना है, या मान लीजिए कि कोई हॉर्न वगैरह, जैसा कि आरोप लग रहा है कि हॉर्न नहीं बजाया गया, रेलवे की तरफ से कहना है कि वो घुमावदार ट्रैक था और हॉर्न बजाया गया था, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि जो आयोजक हैं उनकी सबसे बड़ी गलतियां देखिए आप, कि जो LED स्क्रीन लगी थी वहाँ पर, वो पटरी की तरफ लगी हुई थी। अब जो लोग वहाँ देखने गए हैं, जो वहाँ पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो LED स्क्रीन पर देखेंगे। अगर LED स्क्रीन मेरे सामने है और मैं पटरी पीछे है, तो मैं पटरी पर खड़ा होकर ही देखूंगा LED स्क्रीन क्या है। तो वो क्यों, और उनको क्या पता नहीं है, जो स्थानीय लोग हैं उनको सब पता होता है कि कितनी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, कितने कितने बजे गुजरती हैं, हर एक को पता होता है। तो वो उस चीज़ का आयोजकों ने ध्यान क्यों नहीं रखा। पटरी के पास, ठीक है, जो आप देखोगे रेलवे का कहीं भी देखोगे तो पटरी के पास पूरा मैदान अक्सर खाली रहता ही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉपर मंजूरी लेनी पड़ती है। इसमें मंजूरी नहीं ली गई और कार्यक्रम भी देर से शुरू हुआ, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि देर से कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसा कि नवजोत कौर सिद्धू के बारे में कहा जा रहा है कि 6 बजे उनको आना था, लेकिन वो 7:15 बजे पहुँची, उसके बाद रावण के पुत्ते का दहन हुआ और पटाखों के शोर में ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई नहीं दी और अचानक ही सारी घटना घट गई। तो एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है इसके लिए रेल प्रशासन भी जिम्मेदार है, वहीं लोको पायलट जो ट्रेन चला रहा था उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि दूसरा वक्तव्य ये भी है कि अगर वो अचानक ट्रेन को रोक देता तो ट्रेन डिरेल भी हो सकती थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो जो इमरजेंसी ब्रेक हैं वो लगाने की शायद, अब देखिए हम आप बैठ कर यहाँ पे विश्लेषण करें या कोई आरोप प्रत्यारोप करें, उससे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। वो जो उस समय वहाँ पर जो ट्रेन का जो चालक था, उसके सामने क्या सिचुएशन थी वो वही जानता है। अगर वो इमरजेंसी ब्रेक लगाने की सिचुएशन नहीं रही होगी तो शायद वो नहीं लगाया होगा, लगाता तो ट्रेन डिरेल हो जाती तो और बड़ा नुकसान होता। और ऐसे मौक़ों पर क्या होता है कि आप देखिए कि पब्लिक आक्रोश कल देखने लायक था, अगर ट्रेन रुक भी जाती तो पत्थरबाजी हो सकती थी, जो लोग अंदर थे यात्री उनको भी चोटें पहुँच सकती थी, और ट्रेन डिरेल होने के चांसेस ऐसी इमरजेंसी ब्रेक में बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर ट्रेन स्पीड में है तो होती ही इस तरह की घटनाएँ। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इस सप्ताह एक और घटनाक्रम हुई, भारत पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई जिसमें उसकी रैंकिंग में लगातार गिरावट देखी गई। मोदी सरकार के आने के बाद 2014 में भारत 119 देशों की लिस्ट में 55 नंबर पे था, वहीं 2018 पे उसकी स्थिति 103 नंबर पे हुई। अब ये शायद जो आपने आंकड़ा दिया है, देखिए ये न्यू इंडिया का इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे, वो इसलिए कि हम आप देखिए कि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो डाटा की खपत में भारत शायद सबसे आगे है, ठीक है, लेकिन लोगों के पास आटा नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं। तो ये जो दिखाता है कि जो हम समानता की बात भले ही कितनी करें, लेकिन सामाजिक असमानता बनी हुई है, सरकारों के तमाम दावों के बावजूद बनी हुई है, तरह तरह के तमाम स्कीमों के बावजूद बनी हुई है। राशन गरीबों का ये जो साहूकार हैं वो मार लेते हैं और राशन गरीबों तक नहीं पहुंचता है। जो BPL कार्ड है उसमें
सरपंचों के नाम अक्सर पाए जाते हैं, तो ये जो क्या बोलते हैं, हमारा जो खाद्य पदार्थ का जो वितरण सिस्टम है, जो वो उसमें खामी है ही, और सरकारों के शायद जो डायरियों में पन्नों में जो चीज़ें होती हैं, हकीकत कहीं उससे ज़्यादा जुदा है। इसीलिए इस तरह के आंकड़े जो आपने बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें भारत अगर पहले के स्थान से और नीचे गिरा है, तो सरकार के तमाम दावों की पोल अपने आप खुल जाती क्योंकि है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में हमारी जो रैंकिंग वो नीचे आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, जो नेता है वो ये बोल रहे हैं हमारी स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, और 119 देशों में अगर हम 103 नंबर पे हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। आप तुलना करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन आपको तुलना करना चाहिए अमेरिका से, रूस से, और बाकी तमाम जो विकसित देश हैं। भारत को हम विकसित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा में हम सबसे नीचे हैं, तो भारत की जो स्थिति है उसमें तो सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, इसका जो सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे ना, तो वो है कि हमने हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी कृषि, उसको हमने मरने के लिए छोड़ दिया है। आप देखिए कि जो किसान है वो पीड़ित है, उसको अनाज का सही दाम नहीं मिल रहा है, और आप देखिए कि जो किसान का बेटा वो किसानी नहीं करना चाहता है। तो आप जब अन्न उपजाएंगे ही नहीं, तो आप खाएंगे क्या? आप बाजार से आप खरीदते हैं, आपको जो मजदूरी, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको उतनी मजदूरी नहीं मिलती है कि आप बाजार से तीनों टाइम आप अपना पेट भर सकें, बच्चों का पेट भर सकें। तो जो आप पहले देखिए कि पहले जो किसान था, जो भी किसान था, तो और या उसके पास इतना अनाज होता था कि आप जो कई सारे सौदों का जो लेन देन है ना, वो अनाज में ही करता था बिल्कुल कि ठीक है, आप मेरे को ये दे दीजिए, मैं इसके बदले आपको इतना अनाज दे अनाज देता दे हूँ। देता हूँ। सौदे अनाज में करता। आज उसके ना अनाज है ना कैश है, इसलिए हरत हो रही है। तो जब गरीब के पास अनाज ही नहीं होगा तो वो करेगा क्या? और ये कृषि पर ध्यान नहीं देने का ही दुष्परिणाम है ये। लेकिन आप देखिए पिछले कई सालों से स्थिति भी देश की बिगड़ी है। जो किसान है वो कर्जे में डूबा जा रहा है, उसकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, इस वजह से उसे आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र वाला आंदोलन, पुणे से पैदल यात्रा, आपको याद होगा हरिद्वार से पैदल यात्रा, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो ऐसे में किसान क्या करे? देखिए, किसान को उसके पास क्या करें के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं। शायद इसी वजह से किसान आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसके पास सीमित विकल्प हैं। करना होगा सरकारों को। हम खाली ये बात कह दें कि ठीक है, आपके लिए पैकेज दे रहे हैं, या आपको उपज का जो आपकी लागत है उसका 1.5 गुना दाम देंगे, या 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो ये सब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर कुछ करके दिखाना होगा। और आप ये देखिए कि जो विकास का जो जो तेजी आई है विकास में, आप देखिए कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं, आप चाहे यूपी में चले जाइए, देश के किसी भाग में चले जाइए, उनकी ज़मीन सरकारें ले रही हैं, क्योंकि कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं कोई दूसरी परियोजना, आवासीय परियोजना आ गई है, तो वो जो कृषि भूमि है वो भी कम होती जा रही है। तो किसानों के पास सीमित विकल्प हैं, और सरकारों को जो अगर हम कहें कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो सिफारिशें थी, जब तक वो पूरी तरह से लागू नहीं की जाती, तो मुझे लगता नहीं कि शायद किसानों का भला होने वाला है, या उनके अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं। वो आपने बोला किसानों के भले भला नहीं होने वाला। फिलहाल अगर हम जाएं केरल की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 10 से 50 साल के बीच की महिलाएं मंदिर में जाकर दर्शन कर सकती हैं। सबरीमाला में 17 अक्टूबर के दिन मंदिर खुलता है, दो महिलाएं दर्शन करने के लिए पहुंचती हैं, मगर उन्हें मंदिर तक नहीं जाने दिया जाता। और वहीं जो मुख्य पुजारी है वो लोगों से अपील करता है कि आप मंदिर में ना आएं, इससे भगवान अयप्पा को बहुत मुश्किल होगी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो केंद्र में आप देखते हैं तो कांग्रेस बोल रही है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो सही किया, लेकिन जब आप राज्य में देखते हैं बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू परिषद और तमाम जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ है। आपने जो ऐसा सबरीमाला का जो दिया उदाहरण, दरअसल दक्षिण में जो आस्था का विषय है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। और आप देखिए कि सबरीमाला से जो फुटेजेस आ रही हैं, आप जो को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है कि महिलाओं को भी जाने का अधिकार है वहाँ पर, 10 से 50 वर्ष की महिलाएं जो हैं उस मंदिर में जा सकती हैं। अब आप देखिए कि वहाँ कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी। गाड़ियों में चुन चुन कर देखा जा रहा है कि किसी गाड़ी में 10 से 50 वर्ष की उम्र की कोई महिला तो नहीं जो मंदिर की तरफ जा रही हो।
महिलाओं का साफ कहना है कि जो हमारी आस्था का विषय है उसको कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिए, उस पर अदालतों को निर्णय नहीं देना चाहिए, ये पुरातन काल से जो परंपरा चली आ रही है इसको बरकरार रखना चाहिए। और तभी आपने जो बताया कि दो तीन लोग जो भी वहाँ पर पहुँचने का प्रयास किया है उनको उल्टे पाँव लौटना पड़ा है, और जो सरकार है वहाँ की केरल सरकार वो भी बेबस नज़र आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करती है तो उसकी जो कानूनी जो उसके कर्तव्य हैं उससे वो विमुख हो रही है, और अगर वो जबरन करवाती है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू, अगर मान लीजिए आज लाठीचार्ज हो जाए जो लोग वहाँ पर रोक रहे हैं महिलाओं को, तो कुछ बड़ी घटना में भी घट सकता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस मौके की ताक में है वहाँ पर, और केरल सरकार ये समझ रही है कि हमने जरा सा कुछ चूक की तो उसका इतना बड़ा फायदा उठा ले जाएंगे लोग, चुनाव लोकसभा के सर पर हैं, तो इसलिए केरल सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, शायद वो भी अपनी जो संवैधानिक कर्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने का उससे थोड़ा सा पीछे हटती हुई दिख रही है, क्योंकि उसने अभी तक कोई सख्ती की नहीं है। बिल्कुल, और आप देखिए कि महिलाओं को जिन्होंने आज़ादी दी गई, आप मंदिर में जाएं वो महिलाएं भी नहीं जा रही हैं मंदिर की तरफ, सिर्फ दो महिलाएं ही आते हुए देखी गई, तो कहीं ना कहीं आस्था अभी भी लोगों के ऊपर है कि हमें नहीं जाना चाहिए मंदिरों में। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद की, वो कहते हैं कि जब मैं युवा कांग्रेस के ज़माने में था तो मुझे 95% हिंदू अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे, समारोह में बुलाते थे, लेकिन आज जो आंकड़ा है वो 20% रह गया है। ऐसे में वो बोलते हैं कि देश में कुछ गलत हो रहा है, जब से सरकार बदली है हालात बदले हैं तो बहुत कुछ गलत हो रहा है, अब लोग मुझे बुलाते नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो कहा है वो तो खैर चुनाव सर पर है तो वो कहेंगे ये सब, लेकिन उनको देखना चाहिए कि अगर वो बाहर ऐसा बदलाव महसूस कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले कांग्रेस में जो बदलाव आ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने किसी अध्यक्ष के लिए शायद राहुल गांधी से पहले ही कहा हो कि हमारे अध्यक्ष जनेऊधारी हिंदू हैं, शिव भक्त हैं, शायद कोई कांग्रेस अध्यक्ष से पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया हो, शायद कोई कांग्रेस अध्यक्ष इससे पहले इतने सारे मंदिरों की यात्रा पर गया हो, तो ये जो बदलाव कांग्रेस में आ रहा है पहले उसको उनको खुद को देखना चाहिए कि कांग्रेस ही कांग्रेस के प्रमुख ही मस्जिदों से ज़्यादा गुरुद्वारों से ज़्यादा चर्चों से ज़्यादा मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, तो वो बाकी अन्य धर्मों को छोड़कर हिंदू की तरफ हिंदुत्व की तरफ भाग रहे हैं, तो अन्य लोग तो भाग रहे हैं, तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद को ठीक है उनका जो बयान है वो राजनीति है, उस तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रिया आई भी है बीजेपी की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि उनको बाहर के बारे में टिप्पणी करने से पहले अपनी पार्टी की भीतर का भी माहौल देखना चाहिए। आपको नहीं लगता, आपने जैसे कांग्रेस की बात की, मंदिर जाने की बात की, तो 2014 में जब चुनाव हुए लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे, अमित शाह जी जाते थे, लेकिन कांग्रेस में जो ये बदलाव आया वो गुजरात चुनाव के बाद आया, उन्होंने बीजेपी से सीख ली कि हमें भी मंदिर जाना चाहिए, उसका फ़र्क पड़ता है। नहीं देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो गुजरात चुनाव तो खैर थे ही गुजरात, क्योंकि एक इसको अगर आप पहले के अगर आप कुछ समाचार पत्र देखेंगे उस समय की गुजरात दंगे हुए थे उसके बाद से एक मीडिया ने संज्ञा गढ़ दी थी कि गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रयोग करके देखा उस समय कि वो मंदिर मंदिर गए और वहाँ क्योंकि गुजरात की प्रयोगशाला हिंदुत्व की तो वहाँ मंदिर मंदिर गए और वहाँ पे रिजल्ट मिले, बिल्कुल कांग्रेस का जो टैली था वो बढ़ा विधानसभा में, तो उस प्रयोगशाला में कांग्रेस का भी जो पंजा मजबूत हुआ, उसके बाद से इन्होंने अन्य राज्यों में भी इस प्रयोग कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में देखा, और अब आप देखिए कि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो वहाँ मंदिर मंदिर जा रहे हैं, नवरात्रों में जा रहे हैं, खूब मंदिरों के दुर्गा मंदिरों में गए। और इसके अलावा सोनिया गांधी ने पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसने 2014 में यूपीए की हार के कारणों की खोज की थी, उन कारणों में जो एंटनी कमेटी ने सबसे बड़ा कारण दिया था वो ये था कि कांग्रेस ने अपनी ऐसी छवि बना ली है कि वो एंटी हिंदुत्ववादी पार्टी हो गई है और जो प्रो मुस्लिम पार्टी है, तो कांग्रेस जो क्योंकि एंटनी समिति एंटनी की एक छवि कांग्रेस में एक प्रखर नेता की है, एक साफ ईमानदार नेता की है, और उस समिति ने जो सिफारिशें दी हैं उसको कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है, उस समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। वहीं इस सप्ताह बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगा, जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। मानवेंद्र सिंह देखिए वो जो वहाँ पर अभी नेतृत्व है बीजेपी का वसुंधरा राजे का, उस वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह के आपस में कभी बनती नहीं है, हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जसवंत सिंह और भैरव सिंह शेखावत जी ही वसुंधरा राजे को राजस्थान की प्रदेश राजनीति में लेकर आए थे,
लेकिन जो वसुंधरा राजे ने आगे बढ़ने के बाद इन दोनों को एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश करी और खुद को बड़ा नेता स्थापित करने की कोशिश करी, जिससे ये दोनों नेता नाराज भी हो गए थे और इनके खिलाफ धरने पर भी बैठे थे दोनों नेता। जसवंत सिंह भी बैठे थे, भैरव सिंह शेखावत भी बैठे थे। भैरव सिंह शेखावत जी अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जसवंत सिंह जी भी बीमार हैं काफ़ी लंबे अरसे से। और इस परिवार का आरोप है, जसवंत सिंह जी के परिवार का आरोप है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वसुंधरा राजे ने उनका टिकट काटा था और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते थे कर्नल सोना राम, उनको बीजेपी ज्वाइन करा के टिकट दिया था और इस परिवार को अपमानित करने का काम किया था। और जो मानवेंद्र सिंह है उनका ये भी आरोप है कि उनकी अपनी एक उनकी उन्होंने अपनी एक सेना बना रखी, स्वाभिमान सेना करके एक संगठन चलाते हैं वो, तो उस स्वाभिमान सेना का जो कार्यकर्ता है उसके से जुड़े जो लोग हैं उनको चुन चुन कर प्रताड़ित किया गया है इस वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान। तो ये परिवार लग रहा था कि ये पार्टी छोड़ेगा और जसवंत सिंह को भी एक बार पार्टी से निकाला जा चुका है, तो ये पहले से माना जा रहा था। और ठीक है, बाड़मेर में, बाड़मेर जो एरिया है वहाँ पर इस परिवार का प्रभाव है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस को कितना फायदा मिल पाता है, क्योंकि जो कर्नल सोनाराम जो पहले कांग्रेस में होते थे बीजेपी में है, उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव है और टक्कर पता चलेगी क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्होंने सौदेबाजी करी है उस सौदेबाजी के तहत मानवेंद्र सिंह की पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और ये मानवेंद्र सिंह क्योंकि पहले लोकसभा में रह चुके हैं तो ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो ये शायद डील हुई है। लेकिन इसमें ये बात सही है कि ठीक है कांग्रेस ने अपना हाथ मजबूत किया है वहाँ पर बाड़मेर में, लेकिन कांग्रेस का भी एक जो बड़ा हाथ है कर्नल सोनाराम वो बीजेपी के साथ है इस समय। बिल्कुल। और आपने जो बोला मानवेंद्र सिंह की बात की, तो बीजेपी की स्थिति वैसे भी राज्य में थोड़ा डामलडोर है, ऐसे में अमित शाह ने पूरी स्थिति को संभालने के लिए खुद कार्यभार संभाला है वहाँ का और प्रकाश जावड़ेकर वहाँ की चुनावी रैलियों को देख रहे हैं, तो ऐसे में एक मानवेंद्र सिंह का बीजेपी छोड़ना बीजेपी के लिए और कठिनाई भरा सबब बन गया है। देखिए, कठिनाई तो टक्कर तो है इसमें, कोई कोई दोहरा नहीं कि राजस्थान में कड़ी टक्कर है। और जो बीजेपी ने अपने सर्वे कराए हैं उसमें ये बताया गया है कि हालत उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में सीएम पद को लेकर आपस में काफ़ी खींचतान है और अगर स्थिति को संभाल लिया जाए और टिकटों का आवंटन सही तरीके से कर दिया जाए और जो सिटिंग MLAs हैं उनमें से बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि टिकट काटे जाएंगे। और क्योंकि देखिए, जो जो जनता का जो रुख होता है वो स्थानीय विधायक के खिलाफ उसका नकारात्मक रुख है, और अगर आपने उसको दोबारा टिकट दे दिया तो उसको वोट नहीं देगी, वो जाके दूसरे कैंडिडेट को वोट देगी, तो आपको जो केंद्रीय स्तर पर वो नुकसान हो जाता है पार्टी को। तो पार्टी ने तय किया है कि बहुत सारे ऐसे विधायकों के बारे में रिपोर्टें मंगाई हैं और आधे से ज़्यादा विधायकों के टिकट कटने के चांसेस हैं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ऐसी हमारे पास पुख्ता रिपोर्टें भी हैं। आपने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए खींचतान बताई, तो हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। ज्योतिरादित्य और कमलनाथ के बीच में काफ़ी खींचतान है, ज्योतिरादित्य के समर्थक काफ़ी ज़्यादा हैं, कमलनाथ के काफ़ी कम। ऐसे में दिग्विजय सिंह एक बयान देते हैं कि मैं चुनाव प्रचार में इसलिए नहीं जाता क्योंकि कांग्रेस के वोट कटते हैं। वहीं अब दूसरी खबर ये है कि मध्य प्रदेश जो 15 साल से सत्ता से बाहर हैं जो विधायक, उनमें से कुछ विधायकों को टिकट देने वाला, वो करीब 40 से 50 विधायक हो सकते हैं। ऐसे पे कांग्रेस की स्थिति आपको ख़राब नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में जो मजबूती के साथ कांग्रेस आगे आई थी उनके बीच का आपस का विवाद ही उन्हें ले डूबेगा? नहीं, इसका तो देखिए, जो आप अगर दिग्विजय सिंह जी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो निश्चित तौर पर ये साफ दर्शाता है कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रही है। जो सिंधिया हैं उनका अपना एक गुट चल रहा है, कमलनाथ का अपना एक अलग गुट चल रहा है, ठीक है जब राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन शायद मन से वो लोग साथ नहीं हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ चल रही है। तो एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ की बजाय जब तक ये होड़ नहीं रही कि इकट्ठे होकर बीजेपी को पछाड़े तब तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। संघ ने भी एक फीडबैक निकाला है मध्य प्रदेश के लिए और उस फीडबैक के तहत 78 विधायकों के बीजेपी टिकट काटने जा रही है, 163 विधायक है मध्य प्रदेश में बीजेपी के 230 में से, और उसमें से 78 विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। संघ की तरफ से ये भी सुझाव आया है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो बुधनी छोड़कर गोविंदपुरा से लड़ें, जो गोविंदपुरा जो कि बाबूलाल गौर का गढ़ है 1980 से लगातार जीत रहे हैं, तो देखना होगा कि जो मध्य प्रदेश का गढ़ है उसको बचाने के लिए। दरअसल मध्य प्रदेश बचाना बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी अच्छी खासी हैं और जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी ने अगर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश अगर उसने उत्तर भारत, देखिए दक्षिण में क्या है कि बीजेपी को सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है या फिर
उसके एकाध सीटें कुछ डबल डिजिट में भी हो जाए तो बड़ी बिल्कुल बात होगी। उसको जो सर्वाधिक सीटें मिलनी है उत्तर से मिलनी है। उत्तर में बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और जो छोटे तो आप ले लीजिए दिल्ली, हिमाचल, पंजाब वगैरह, ये सब हैं। तो लेकिन ये जो मध्य प्रदेश है वो बीजेपी का गढ़ है, संघ का गढ़ है। संघ शायद सबसे ज़्यादा मजबूत मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सारे के सारे एकजुट हो गए हैं। मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर होने वाली है और कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई आश्चर्यजनक नतीजे नहीं होंगे कि अगर बीजेपी स्पष्ट बहुमत के आसपास तक पहुंच सकती है। बीजेपी स्पष्ट बहुमत के आसपास पहुंच सकती है जैसा आपकी बताया। और इस सप्ताह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एनडी तिवारी जी नहीं रहे, और साथ में उन्होंने उनका जो कार्यकाल देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। ऐसे पे उनको एक श्रद्धांजलि दी जा सकती है। और सर, आपको नहीं लगता कि आपने चुनावों की बात की तो छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले आप देखिए नक्सली हमले हो रहे हैं, आज 3 नक्सली ढेर हो गए हैं, तो आपको लगता है कि चुनाव प्रक्रिया आसानी के साथ इजीली पूरी हो पाएगी? नहीं, देखिए जो नक्सली हैं वो इस हमारा जो लोकतंत्र है उसके खिलाफ़ तो हैं ही। वो अपना एक तंत्र चाहते हैं और इसलिए जब भी चुनाव आते हैं इस तरीके की वारदातें करते हैं। लेकिन जो सुरक्षा वाले हैं वो छत्तीसगढ़ में, आप देखिए कि छत्तीसगढ़ कोई बड़ा राज्य नहीं है। अब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं। जी छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव है, इसीलिए चुनाव है क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा की चुनौती है खास तौर पर। तो और पहले जो चरण का चुनाव है वो नक्सल बेल्ट में ही है। जी तो ये ठीक है कि चुनौती वो बनकर सामने आएंगे, लेकिन शायद सुरक्षा बल भी पूरी तरह अलर्ट हैं। और आपने जैसा कि खबर दी कि आज भी 2-3 जगह उनको मार गिराया गिराया गया, तो ये इस तरीके की वारदातें भी जब तक चुनाव नहीं करीब आते तब तक चलेंगी। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक मांग और करी है चुनाव आयोग से। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि अब आप उस मांग के लिए लेट हो गए हैं। नक्सलियों का भय रहता है मतदाताओं में, इसलिए वो वोट करने वोट डालने निकलते नहीं नहीं हैं। जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो नक्सली हैं आप देखेंगे जैसे जैसे मतदान करीब आएगा तो वो पोस्टर चिपकाते हैं कि आपको वोट करने नहीं जाना है। नहीं जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि आप हमें स्याही से मुक्ति दिला दीजिए, कि जैसे कोई वोट डाल के आए तो उसको स्याही ना लगाई जाए, बिल्कुल क्योंकि स्याही एक सबूत है कि आपने वोट डाल दिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने हालांकि इस मांग को ठुकरा दिया है, क्योंकि उसके अपने नियम हैं और एकदम से नियमों में परिवर्तन नहीं हो नहीं सकता हो है। सकता है। और जब 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया एक साथ चल रही है तो छत्तीसगढ़ के लिए अचानक से शायद अलग नहीं हो सकती थी, ऐसा चुनाव आयोग का मानना था। तो इस मांग को ठुकरा दिया। तो ये लेकिन नक्सलियों का भय दिखाता है कि अगर सरकार ने इस तरह की मांग करी है तो। चुनाव करीब आ गए हैं, कसम रामलला की खाई है, मंदिर यहीं बनाएंगे। प्रवीण तोगड़िया, तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव करीब आते ही बीजेपी संघ राम मंदिर बनाने का जो आलाप है दोबारा शुरू हो गया है उनका। और वहीं श्रीकांत शर्मा जो योगी सरकार के नेता, उनका कहना है कि हमें संसद पर छोड़ देना चाहिए मंदिर बनाने के लिए। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। मेरी बीजेपी के कुछ आज भी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है और पिछले कुछ दिनों से लगातार बातचीत होती भी रही है, कुछ मीडिया रिपोर्टें भी ऐसी रही हैं। उन सब से मैं जो 2 निष्कर्षों पे पहुँचा हूँ वो निष्कर्ष, एक तो पहला तो यही है कि ये चुनाव जब भी आते हैं राम याद आ जाते हैं, और अगर अभी याद आए हैं तो उसके बाद फिर जब अगली बार तब याद आएंगे जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे विधानसभा चुनाव होंगे, होंगे, बिल्कुल। या तो यही होने वाला है। और एक अगर हम जिसकी सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना ये है कि आपने अगर देखा हो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी पर संघ के स्थापना दिवस पर जो उद्बोधन दिया है वो संकेत है साफ साफ सरकार के लिए। और अभी बीच में जब उनकी व्याख्यान माला थी दिल्ली में तब भी वो ये बात कह के गए हैं। संघ प्रमुख ने साफ कहा है कि जो ये माहौल है, मतलब ये माहौल से उनका आशय ये था कि ये आपके पास जो ताकत है कि लोकसभा में आप स्पष्ट बहुमत में हैं, आपके पास राज्यसभा में ठीक ठाक आंकड़ा है, बिल्कुल और अगर हम देखें तो आज देश के राष्ट्रपति पद पर, देश के उपराष्ट्रपति पद पर सब पर बीजेपी से आए लोग बैठे हुए बैठे हैं। हुए हैं। और जो माहौल है एनडीए की सरकारें और बीजेपी की सरकारें आज देश के 21 राज्यों में हैं। तो ये जो माहौल है संघ प्रमुख ने कहा है कि दोबारा नहीं होने वाला है, ऐसी मजबूत स्थिति शायद ही दोबारा हो। तो आपको संसद से कानून बनाना चाहिए, लाकर कानून बनाना चाहिए। संसद अदालतों का जो निर्णय है वो लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। हिंदुओं को आप, संघ प्रमुख ऐसा कर रहा था कि हिंदुओं को आप लंबे समय तक या अनिश्चित समय तक अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। तो जिस तरह से बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत होती है, ठीक है वो ऑफलाइन होती है या जैसे भी जिस भी तरीके से बातचीत होती है, बीजेपी एक बड़ा धमाका कर सकती है संसद के जरिए कानून लाकर। क्योंकि बीजेपी को पता है कि आज की डेट में
अगर आपको लोकसभा चुनाव जीतना है तो अगर आपने राम मंदिर के लिए कानून ले आए आप, तो आपका यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर भारत पूरा निकल जाएगा, और पश्चिम भारत भी, जिसमें कि महाराष्ट्र और गुजरात से सर्वाधिक सीटें हैं, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। और ये अगर पूरा आ गया तो आपकी सरकार द्वारा बन जाएगी, और सिर्फ राम मंदिर ही बना सकता है बीजेपी एक ऐसा। हम अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, मेरी जो उन लोगों से बातचीत हुई, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी ऐसा करने जा रही है। लेकिन जैसे आपने हिंदुत्व वाली राजनीति की बात की, तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पिछले दिनों इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ और जगहों का नाम उत्तर प्रदेश में बदला जा सकता है। इसमें एक चीज़ मैं करेक्ट भी करना चाहूँगा कि जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज नहीं किया गया, प्रयागराज ही असली नाम था। और अगर आप देखेंगे, वेदों को देखेंगे, अगर आप रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो प्रयागराज ही संबोधित किया गया है, उसका पुराना नाम बहाल किया गया है। सरकार का कहना है कि जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने जो भारत में एक गुलामी का मानसिकता का प्रतीक बना दिया था, और इस तरह के नाम बदलकर। और आप देखिए कि जो मैं अगर आपको कहूँ कुछ, इसको सांप्रदायिक तौर पे नहीं लें आप, देखिए इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कि आपको इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे, इलाहाबाद है या फैजाबाद है या अहमदाबाद है, इस तरीके के आपको बाद वाले ऐसे इस तरह के जो मुस्लिम शासकों को दिखाते हों, लेकिन उनकी तो आपको निशानी मिल जाएगी। लेकिन उनके आने से पहले तो सारे जो भारत था उसमें जितने भी राजा थे सब हिंदू थे। उनके जो महल हैं या उनके जो प्रतीक हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको खंडित किया गया और उसके जगह पर अपनी चीज़ें लाई गई विदेशी आक्रांताओं द्वारा। तो ठीक है कि कोई एक वर्ग कह सकता, बीजेपी कह सकती कि पुराना गौरव बहाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ पुराना गौरव बहाल होने से काम नहीं चलेगा। हमारे को वो गौरव बहाल करने की परिध्यान नहीं देना, हमारे को आगे एक परिध्यान देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हंगर इंडेक्स की बात करी, तो सिर्फ नाम बदल देने से क्या जो लोग भूखे मरने बंद हो जाएंगे, क्या नाम बदल देने से जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बंद हो जाएंगी, या नाम बदल देने से? सवाल यही था कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इतिहास को के साथ छेड़छाड़ कर रही है। वो जो चुनावी वादे के साथ हुई थी 2014 में, जो उनका घोषणा पत्र था जिसमें उन्होंने कहा गया था, महिला सुरक्षा की बात की गई थी, बेरोजगारी की बात की गई थी, उसके अलावा आप देखिए कि अधिक से अधिक रोजगार दिए जाएंगे, इन सारी चीज़ों की बात की गई थी, उन सब मामले में आज भी हमारा देश उसी स्थिति पर खड़ा है जैसे 2014 के पहले खड़ा था। सत्ता सामने लोगों को एक चेहरा दिखाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने जगह जगह जाके कैंपेन की, उन्होंने बताया कि कांग्रेस राज्य में जो नहीं हुआ वो हम करेंगे। लेकिन आप देखिए पिछले कई वर्षों में सरकार गई थी यूपीए की इसी वजह से कि उन्होंने जो चीज़ें थी वो फेल हो गए थे, ऐसे में मोदी जी आए। लेकिन जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर स्थिति कुछ बदली नहीं है और बदतर हुई है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो सारी चीज़ें जाएंगी, लेकिन क्या होता है कि जो राजनीतिक दल है ना, वो जानते हैं कि जो मतदाता किस बात से प्रभावित होता है। अब आप देखिए कि जो नाम बदले गए ना, अगर आप इससे संबंधित वीडियो देखेंगे, इससे संबंधित खबरें देखेंगे, आप उस पर कमेंटों पर नज़र डालिए, तो लोग मतलब ऐसे ही योगी सरकार की तारीफ पे उतर आए कि क्या कमाल कर दिया आपने, वाह वाह क्या बात है, पुराना गौरव बहाल हो गया और अब वापस जो भारत का प्राचीन गौरव बहाल हो रहा है, इस तरीके की जो कमेंट्स आ रहे हैं। तो जो लोग हैं ना वो बड़े भावनाओं में बहते हैं, और ऐसे भावनात्मक मुद्दों के लिए ना वो ये भूल जाते हैं कि मेरे तन पे कपड़ा नहीं है, मेरे लिए स्कूल नहीं है, मेरे लिए वो चीज़ें, उसको शायद ये नब्ज पहचानते हैं हमारे जो राजनीतिक दल हैं, इसलिए वो काम करने के बजाय इस तरीके के काम करते हैं, नाम करते हैं खाली। लेकिन आपको नहीं लगता काम ज़रूरी, क्योंकि एक दूसरा तबका भी है जो ट्रोल कर रहा है योगी आदित्यनाथ को, योगी सरकार को, वो कई सारे मेमेज बना रहा है और बोल रहा है कि आपने इनका भी तो नाम बदल दिया। नहीं, वो तो बस ठीक है, देखिए अभी तो और कई सारे नाम बदले जाने हैं, जैसे कि रिपोर्टें हैं, और जो भी सरकार हो, चाहे अभी योगी सरकार है, इससे पहले अखिलेश सरकार थी, नाम बदलने की परंपरा तो अब वो, इससे पहले मायावती की सरकार थी, वो तो पार्कों के नाम बदल रहे थे, जिलों के नाम बदल रहे थे, इन्होंने भी शहरों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम बदलने शुरू करे हैं। तो ये परंपरा बहुत टाइम से चली आ रही है, जो सत्ता में नहीं रहता है वो आलोचना करता है, और जो सत्ता में रहता है वो इस तरह के काम करता है। जैसे सर ने बताया, जो सत्ता में नहीं रहता वो आलोचना करता, वहीं सोशल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कनॉट प्लेस का नाम बदलकर राजीव गांधी चौक रख दिया, तो कौन सा हम उसे राजीव गांधी चौक के नाम से बुलाने लगे हैं। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ खास खबरें और भी नहीं, जैसे एम जे अकबर का इस्तीफा देना। एम जे अकबर ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नैतिक आधार पर दे रहा हूँ, लेकिन मीडिया पर दूसरी खबर ये भी थी कि मोदी सरकार के कहने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं आप देखिए अफगानिस्तान में लगातार हमले होना, इससे ये समझ
समझ में आता है कि आज भी वहाँ तालिबान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वहीं अगर आप वापस भारत में आते हैं और देखते हैं घाटी में, घाटी में शहरी निकाय चुनाव हुए हैं, वहाँ पर देखा गया कि आतंकवादियों के भय से लोग वोट डालने नहीं गए, वहीं पर जो रिजल्ट आए वहाँ पर आप देखिए कि दक्षिणी कश्मीर में जो बीजेपी का परचम है वो लहरा गया। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख एक ऐसा एरिया था जहाँ पर बीजेपी के हाथों कुछ भी नहीं आया। तो ये थी इस सप्ताह की तमाम खबरें जिसका हमने किया विश्लेषण। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी, मैं हूँ आपके साथ अनुराग, और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे और कैमरा पर्सन वेद प्रकाश। तो मैं यानी अनुराग गुप्ता आपसे लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।